अब देखते हैं झारखंड की खबरों को। तो आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे। नीतीश कुमार ने जेवीएम के महाधिवेशन में शिरकत की। नई सियासी जुगलबंदी की शुरुआत करते हुए नीतीश कुमार और बाबूलाल मरांडी ने एक मंच से नए सियासी रास्ते के संकेत भी दे दिए। महाधिवेशन के दौरान नीतीश कुमार ने पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जेवीएम विधायक दल को तोड़े जाने पर नीतीश कुमार ने कहा कि ये कमजोर लोगों की पहचान है। वहीं नीतीश कुमार ने शराबबंदी के लिए झारखंड के सीएम रघुवर दास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की। नीतीश कुमार ने कहा कि झारखंड के विकास के लिए बाबू लाल मरांडी का विजन सबसे बेहतर रहा है। और फिर जो कुछ भी झारखंड के गठन के बाद जिस प्रकार से इन्होंने झारखंड के विकास के लिए प्रयत्न किया, योजनाएं बनाई, और उन दिनों जब मैं एक एक चीज को जानने की कोशिश करता था, समझता था, समझने की कोशिश करता था, तो मुझे यह प्रतीत होता था कि वाकई झारखंड राज्य का अलग होना जरूरी था और बाबूलाल जी जैसा इसको नेता मिला है झारखंड राज्य को, अब निश्चित रूप से झारखंड देश के शीर्ष राज्यों में से एक होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, रघुवर दास जी, जरा अपना आदमी भेज दीजिए बिहार के गांव में, पता कर लीजिए कि कितनी शांति है, कितना प्रेम का भाव है। पहले शाम होते झगड़ा झंझट हंगामा मारपीट, आज बिल्कुल शांति, शहरों में भी शांति। अपनाइए, प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइए। एक बार हम आने वाले थे तो उसके पहले हमको बिहार मॉडल नहीं चाहिए, गुजरात मॉडल चाहिए। गुजरात मॉडल ही अपना लीजिए, गुजरात में भी शराबबंदी है, गुजरात के स्थापना काल से शराबबंदी। आदरणीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने शराबबंदी को खत्म नहीं किया था, लागू रखा था। हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहेंगे कि आप ही शराबबंदी के पक्षधर हैं, इसलिए गुजरात में लागू रहा। अब तो अपने पार्टी के शासन वाले राज्यों में शराबबंदी करवा दीजिए। वहीं जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल करार दिया। जेवीएम महाधिवेशन में शामिल होने पहुंचे नीतीश कुमार के शराबबंदी अभियान की तारीफ करते हुए जेवीएम अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार में वो सभी गुण हैं जो सबको एक साथ लेकर चल सकें। वहीं शराबबंदी को लेकर झारखंड सीएम पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि 1995 में जमशेदपुर में जहरीली शराब पीने से 32 लोगों की मौत हो गई थी, जिसकी जांच सीएम को सीबीआई से करानी चाहिए। लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब राज्य के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा बने, मरे हुए लोगों के परिवारों को तो उन्होंने नौकरी दिया, उनको तो मैं बधाई देता हूं, लेकिन जिनके शराब पीने से लोग मर गए थे उनको आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके ऊपर में। और आज भी मैं कहूंगा, अगर थोड़ी भी रघुवर दास के अंदर में नैतिकता बची है तो आज भी पूरे मामले को सीबीआई से जांच करानी चाहिए। किनके शराब की पीने से 32 लोगों की जाने गई थी। और जब धनबाद मिले थे वो बता रहे थे कि देश के भिन्न भिन्न कोनों में उनको लोग बुलाते हैं तो उसका तरह तरह के लोग अर्थ लगाते हैं, तरह तरह के लोग अर्थ उसका लोग निकालते। और इसलिए मैं कहूंगा, मैं तो कहता हूं कि नीतीश जी में कौन सी कमी है। नीतीश जी में प्रधानमंत्री बनने की योग्यता भी और क्षमता भी है, इसे कोई नकार नहीं सकता है, मैं आपको यह विश्वास दिला। बोकारो में विस्थापित परिवार के सदस्यों ने आज सेक्टर 4 के गांधी चौक पर धरना दिया। स्टील प्लांट में नियोजन और नहर काटो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर विस्थापित परिवार आंदोलन पर हैं। विस्थापित परिवारों का आरोप है कि स्टील प्लांट प्रबंधन की ओर से बार बार आश्वासन तो मिलता है लेकिन ठोस नतीजा सामने नहीं आता। अगर प्लांट प्रबंधन का यही रवैया रहा तो बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा।
विस्थापित नेताओं को रिहा करने के साथ साथ नियोजन की प्रक्रिया को अविलंब चालू करने की बात को भी हम लोग रखते हैं। वार्ता होती है, हमें ठगने का काम किया जा रहा है, लेकिन अब हम लोग अब बर्दाश्त के बाहर हो चुके हैं, अब हम लोग ठगेंगे नहीं। पाकुड़ के रानी दीघी सरकारी तालाब के अतिक्रमण पर मुख्यमंत्री रघुबर दास के निर्देश के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दीघी पटाल में पुलिस बल की तैनाती में 217 घरों पर बुलडोजर चला। दरअसल जनसंवाद कार्यक्रम में शिकायत के बाद मुख्यमंत्री रघुबर दास ने रानी दीघी सरकारी तालाब के अतिक्रमण को लेकर सख्ती दिखाई थी। इसके साथ ही इस तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए इसके सौंदर्यीकरण का निर्देश भी दिया था। रानी दीघी पोखर के पटाल से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आज कर रहे हैं और इसमें जितने भी घर बनाए गए हैं अतिक्रमण करके सबको हम लोग योजनाबद्ध तरीके से हटा रहे हैं। करीब 220 के आसपास घर थे और एक तरफ से हम लोगों ने कार्रवाई शुरू की है और इसको हम लोग बंद कर। उधर देवघर के देवीपुर में स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव किया। पूरा मामला दो दिन पहले हुए एक विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसमें तिलैया गांव के दो गुटों में मारपीट हो गई थी और कई लोग इसमें जख्मी हो गए थे। एक शख्स की झड़प में मौत भी हो गई थी। शव जब देवघर पहुंचा तो स्थानीय लोगों ने पुलिस पर दूसरे गुट को सहयोग करने का आरोप लगाया और यही वजह रही कि स्थानीय लोग देवीपुर थाने पहुंच गए और उन्होंने थाने का घेराव किया। मौके पर झारखंड के श्रम मंत्री राज पालीवाल भी पहुंचे और मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा और दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही। उसके बाद लोग शांत हुए। दो दिन पहले आपसी विवाद हुआ था कोई जमीन का मामला लेके, उसमें मारपीट हुआ, उसमें से एक व्यक्ति की इलाज के क्रम में रांची में मृत्यु हो गया। तो लोग अभी मृतक को लेकर यहाँ पे जामुआम किए थे इंसाफ के लिए। तो निश्चित रूप से जो दोषी है उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, लगातार छापेमारी चल रही है। हम इतना जरूर बोलते हैं, मृतक परिवार के साथ हम लोग खड़ा हैं और जो भी दोषी है निष्पक्षता के साथ जांच होगा और दोषी जेल के सलाखों के पीछे रहेगा। उधर कोलेबीरा में सुधा नाम की एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल हत्या की वजहों का खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार सुधा के पति की मौत 2 साल पहले हो गई थी और बेटे ने भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। महिला एक दुकान चलाकर अपना भरण पोषण कर रही थी। मामले की जांच करने पहुंचे एसडीपीओ ने कहा कि अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। उधर दुमका के दुधानी मोहल्ले में आज उस समय सनसनी फैल गई जब एक बड़े भाई ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी भाभी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भाई की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक हत्या की वजहों का खुलासा नहीं हो सका है। उधर लातेहार में जंगलों के रास्ते कोयला का अवैध कारोबार वन विभाग के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। हालांकि प्रशासन की सख्ती का भी असर अब दिखने लगा है। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए डीएफओ विजय दुबे ने तुवेर जंगल में छापेमारी कर अवैध कोयले से लदे 3 ट्रैक्टरों को जब्त किया। इनमें शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। वन विभाग ने इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। कोडरमा में गौशाला की जमीन पर रह रहे लोगों को घरों से आज प्रशासन ने बाहर निकाल दिया। प्रशासन ने यह कार्रवाई उन लोगों पर की जो पिछले 15 सालों से गौशाला की जमीन पर मकान बनाकर रह रहे थे और गौशाला समिति को इसका किराया दिया करते थे। बाद में जब जमीन पर मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाना तय हुआ तो किरायेदारों ने मकान खाली करने से इनकार कर दिया। इसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट के आदेश के बाद जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स में पुराने किरायेदारों को प्राथमिकता दी जाएगी। हम लोग मार्केटिंग कम्प्लेक्स और आवासीय परिसर बना करके जो किरायेदार इसमें पहले से रह रहे हैं, हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में पहले उन लोग को बना कर बसाएंगे, उसके बाद जो बचेंगे हमारे पास वो दूसरे अन्य किरायेदार को लगाएंगे। उसे जो किराया का जो हम लोग का स्रोत होगा गौशाला का, गौशाला के रख रखाव में और जो लाचार बूढ़ी गौवंश जो हैं उनके सेवा में हम ये पैसा खर्च करेंगे। ये गौशाला की जमीन है, इस पर कुछ मकान बने हुए हैं, यहाँ किरायेदार रहते थे, तो हाईकोर्ट
का आदेश था कि लोगों को खाली कराना है, उसी आदेश के तहत ये खाली किया जा रहा है। इसमें गौशाला समिति के मेंबर लोग मिलकर एक बैठक करेंगे, यहाँ जो किरायेदार रहते हैं उनको इसमें जरूर प्राथमिकता मिलेगी। उधर गुमला के वाणिज्य कर विभाग का भवन 4 साल पहले बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन उसका इस्तेमाल आज तक नहीं किया गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस छोटे से भवन में वाणिज्य कर विभाग चल रहा है उसका किराया 40,000 रुपये प्रति महीना है। हालांकि अधिकारियों का तर्क है कि नए भवन में कुछ टेक्निकल काम नहीं हुआ है जिससे विभाग की शिफ्टिंग नहीं हो पा रही है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि भवन का निर्माण जिला मुख्यालय से बाहर होने की वजह से शिफ्टिंग नहीं हो पा रहा। हालांकि जिले के कारोबारियों का भी मानना है कि ऐसे महत्वपूर्ण विभाग को जिला मुख्यालय में ही होना चाहिए। वाणिज्य कर विभाग हर साल सरकार को 5 करोड़ का राजस्व देता है, लेकिन फिर भी विभाग के अधिकारी मामले को लेकर गंभीर नहीं दिखे। जिला प्रशासन की लापरवाही है। जिला प्रशासन को टाउन में ही जमीन उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर टैक्स का भी पैसा कलेक्शन होता है, व्यवसायी भी जाते हैं और सीलम जो है सो थोड़ा सुरक्षित जगह नहीं है और दूर भी है, थोड़ा सा दूर भी है और वहाँ बिजली पानी बहुत दिक्कत है वहाँ। इसको तो टाउन में ही जो है सो इसका व्यवस्था होना चाहिए। मेन झारनेट का प्रॉब्लम है, झारनेट अभी नहीं लगा है, झारनेट लग जाने से हम लोग शिफ्ट कर लेगा। बिजली का भी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा पानी भी मान नहीं है, ये सब प्रॉब्लम बेसिक प्रॉब्लम आप लोग। ऐसे हम आधा सामान हम लोग शिफ्ट कर दिए हैं जी, जो जरूरी काम है वही हम लोग यहाँ रखे हैं जी। अभी जैसे ही हो जाएगा हम लोग वहाँ शिफ्ट कर जाएंगे। यहाँ तो पर स्टाफ पैदल आ जाते हैं अपने डेरा से, वहाँ उनको अपना व्यवस्था करना पड़ेगा आने जाने के लिए, साइकिल टेम्पो जी भी रखना पड़ेगा। कहा जाता है कि अगर हौसला बुलंद हो तो मुश्किलें कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। रांची में मजदूरी कर रही एक बेटी ने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली है। मीरा खोया के पिता नहीं है, बचपन से ही वो अपने परिवार की जिम्मेवारी निभा रही है। इसके लिए मीरा को मजदूरी तक करनी पड़ती है, लेकिन पढ़ने और आगे बढ़ने की ललक इनमें इतनी है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद भी पढ़ने के लिए वो कुछ समय निकाल ही लेती है। और इसी का परिणाम है कि मीरा ने 10वीं की परीक्षा में अच्छे अंकों से इसे पास किया। मीरा आगे पढ़कर पुलिस की नौकरी करना चाहती है। वो पढ़ाई में उसका बहुत इंटरेस्ट है, पढ़ाई में बहुत रुचि लेती है और यहाँ काम करती है, हम लोग के साथ एक विंग में काम करती है। बहुत मेहनती लड़की है और वो पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छे नागरिक बनना चाहती है और देश के लिए अपनी मतलब पुलिस बनना चाहती है और देश के लिए अपना जो सहयोग होता है सबसे बढ़िया सहयोग देश के लिए देना चाहती है। घर गए, उसके बाद एक दोस्त थी उसको कॉल किए तो वो बोली कि हम देखे, तुम देखिए ऐसा बोले तो हाँ हम नहीं देखे है बोले तो वो बोली कि हम देख दिए, पास हुई है सेकंड डिवीजन से ऐसा बोली, तो खुशी लगा बहुत खुशी। अगर और अच्छा से लिखते हैं फर्स्ट डिवीजन से करते तो और खुशी लगता, पर क्या करें काम बहुत रहता है घर में, कोई नहीं है, दीदी थी तो शादी हो गया तो हम ही अब घर में काम करते हैं।